आखिर है क्या, धार्मिक आंदोलन हुआ क्यों था, इसके पीछे हम पूरा डिटेल आज पढ़ेंगे और बताएंगे कि धार्मिक आंदोलन हुआ क्यों था, इसके पीछे क्या कारण क्या था, इसका पॉइंट क्या था, आखिर धार्मिक आंदोलन होने के पीछे क्या कारण हो सकता था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन के कारणों का उल्लेख करें, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आज हमें भी पढ़ने में मजबूर कर दिया, और आप इसे सुन लेंगे तो कसम से कभी नहीं भूलेंगे, यह मेरे से वादा है आप लोगों के बीच। तो आइए सुनते हैं आखिर धार्मिक आंदोलन हुआ क्या था, क्यों हुआ। धार्मिक दृष्टिकोण से ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा के काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण युग माना गया है। इस काल का में जनता जटिल कर्मकांडों से उग चुकी थी, ठीक है, और सरल मार्ग के लिए चल पड़े। अब कर्म को विशेष महत्व दिया जाने लगा था, है ना। तत्कालीन सामाजिक द्वेष के वातावरण में आर्थिक क्षेत्र में हुए परिवर्तन, आज्ञा बलि तथा आडंबर अंधविश्वास ने सुधार आंदोलन के भूमिका तैयार कर दी, ठीक है। यह आंदोलन विभिन्न कारणों के कारण हुई। धार्मिक जीवन के प्रति असंतोष, लोगों में धार्मिक जीवन प्रति क्या हो गया था, असंतोष की भावना जग गई थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के धर्म सुधार आंदोलन का एक प्रधान कारण था तत्कालीन धार्मिक व्यवस्था के प्रति असंतोष की भावना। इस समय तक की धार्मिक आडंबर पूर्व यज्ञ एवं बलि प्रधान बन चुका था। धार्मिक क्रिया इतने जटिल हो गए थे कि किसी भी व्यक्ति के लिए पुरोहित के बिना उनका करना संभव नहीं था। ब्राह्मणों ने अपना महत्व बढ़ाने के लिए शुद्ध मंत्र उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया। इतना ही नहीं बल्कि यज्ञों में बड़े पैमाने पर पशुओं की बलि ने कृषि व्यवस्था को प्रभावित किया, जिसका बुरा प्रभाव आर्थिक व्यवस्था पर पड़ा। सबसे बड़ी बात यह थी कि ब्राह्मण वर्ग या पुरोहित वर्ग सबको नैतिकता एवं धार्मिक व्यक्ति की सीख दे रहा था, लेकिन स्वयं सुख सुविधा पूर्व लेकिन आराम पुरोहितों का नैतिक पतन हो चुका था। ऐसी परिस्थिति में कर्मकांड धर्म और पुरोहित के अनुचित आचरण के खिलाफ प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। दूसरा कारण यह भी हो सकता है ना, वर्ण व्यवस्था तथा मानव वर्ण व्यवस्था तथा तनावपूर्ण सामाजिक वातावरण। वर्ण व्यवस्था तथा तनावपूर्ण सामाजिक वातावरण, ठीक है। भारत में धार्मिक आंदोलन होने के अनेक कारण थे, जिनमें प्रमुख तत्कालीन समाज एवं धर्म में फैली कुप्रथाएं थी। उत्तर वैदिक काल से ही वर्ण व्यवस्था जटिल होती चली आई, ठीक है। अब कर्म के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर वर्ग का निर्णय होने लगा। समाज स्पष्ट रूप से दो भागों में बट गया, पहला सुविधा भोगी, दूसरा सुविधा विहीन वर्ग, ठीक है। अब सुविधा भोगी वर्ग जिन्हें विशेष अधिकार प्राप्त था, जबकि वैश्य और शूद्र सुविधा विहीन वर्ग थे जिन्हें विशेष अधिकार से वंचित रखा जाता है। उस काल में वैश्य मुख्य करदाता थे क्योंकि वे कृषि व्यापार उद्योग धंधे करते थे, परंतु उन्हें समाज में वह स्थान नहीं था जो ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों को प्राप्त था। सबसे बड़ी स्थिति शूद्रों की थी, कहने का अर्थ है सबसे बुरी स्थिति शूद्रों की थी जिन्हें तीनों वर्गों की सेवा करनी पड़ती थी। इस प्रकार संपूर्ण समाज तनावपूर्ण वातावरण से गुजर रहा था। अब दूसरा पॉइंट हमारा यह है सुविधा विहीन वर्ग। इस काल में क्षत्रिय इस बात से असंतुष्ट थे कि शासन का प्रधान होने के बावजूद उनका स्थान नीचा था। इसका साथ ब्राह्मण समुदाय क्षत्रियों के विशेष अधिकारों और सुविधा प्राप्त कर, है ना, पर्याप्त कर रहा था। इससे क्षत्रिय वर्ग नाराज थे। जब क्षत्रिय व्यवस्था ऐसी, कहने का अर्थ है कि जब क्षत्रिय लोग के मन में ऐसा भाव आया कि क्यों क्यों आखिर ब्राह्मण हमसे आगे क्यों है, जिससे समाज में उनका दर्जा ऊंचा हो जाए और वे इस ब्राह्मण पर नियंत्रण स्थापित कर सके, कहने का अर्थ है जो क्षत्रिय लोग थे और क्या बोलते हैं इसको वैश्य लोग, दोनों मिलकर ब्राह्मणों के प्रति एक आंदोलन चलाए, जिसको ही हम लोग क्या कहते हैं, धार्मिक आंदोलन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसी कारण नए क्षत्रिय ने, कहने का अर्थ है क्षत्रिय ने
नए धार्मिक आंदोलन को समर्थन किया। तनावपूर्ण सामाजिक वातावरण में ब्राह्मणों के अलावे अन्य सभी वर्ग इस व्यवस्था से असंतुष्ट थे, अतः इन सभी वर्ग ने धर्म सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरा कारण हो सकता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण उसमें क्या थी? उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय बन गया था, परंतु अज्ञेय और बलि प्रधान धर्म के कारण पशुधन की क्षति बड़े पैमाने पर हो रही थी। यह एक ही बड़ी समस्या थी, क्योंकि बिना पशु धन की सुरक्षा के समस्त आर्थिक व्यवस्था ही नष्ट हो जाती। इस अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए पशु बलि को रोकना आवश्यक था, परंतु यह तब तक नहीं हो सकता था जब तक कि धर्म में सुधार नहीं लाया जाए। नई अर्थव्यवस्था ने धर्म सुधार आंदोलन को भी सुधार किया। व्यापार वाणिज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए सिक्कों का प्रचलन हुआ। कर्ज शुद्ध की प्रथा शुरू हुई। यह नवीन अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए है ना, इन्हें नए जो व्यवस्था थी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक था। लेकिन ब्राह्मण वर्ण इन परिवर्तनों को घृणा और तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। ठीक है, इसका सबसे बुरा प्रभाव वेश्यों को ऊपर पड़ा, जिनके लिए कृषि वाणिज्य व्यवस्था सिक्के का प्रयोग शुद्ध पर पैसा लेने लेना देना आवश्यक था, अतः वैश्य वर्ण ब्राह्मणों का विरोधी था। ठीक है, विरोधी बन गया तथा इसमें धर्म सुधार आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण ध्यान दिया। बौद्धिक कारण, सोचने समझने की क्षमता। वैदिक काल में कर्मकांड तथा पुरोहितवाद के कारण रूढ़िवाद स्थापित हो गया था, जिसकी सामाजिक प्रतिक्रिया के कारण मानव प्रगति के क्षेत्र में रुकावट आ गई थी। फिर भी इस समय विद्वान का एक ऐसा वर्ग था जो समाज और धर्म की प्रगति के लिए नवीन और मौलिक सिद्धांतों का स्थापना कर रहा था। इन विद्वानों ने वर्ण व्यवस्था, अज्ञेय तथा कर्मकांडों का विरोध किया। इन्होंने कर्म को बढ़ावा दिया तथा ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को मानने के लिए इनकार कर दिया। बौद्ध तथा जैन धर्म ने अनेक धर्म का उल्लेख कर रहा था जो धार्मिक परिवर्तनों के लिए कार्य कर रहे थे, है ना। इनमें आजीविका संप्रदाय प्रभावशाली और प्रमुख था। हमारा पांचवा पॉइंट है उपनिषदों का योगदान। धर्म सुधार आंदोलन को लाने में उपनिषदों ने भी योगदान दिया। उपनिषदों ने ब्राह्मण कर्मकांड, धर्म, अज्ञ और बलि प्रथा को निरर्थक बताया। इसके साथ ही जन्म को महत्व ना देकर कर्म को महत्व प्रदान किया। उपनिषदों के कारण मनुष्यों के भाग का निर्माण जन्म से ही नहीं बल्कि कर्म के द्वारा होता है। ठीक है, और कर्म के अनुसार ही लोगों को दुख सुख प्राप्त होते हैं। उपनिषदों ने आत्मज्ञान पर बल दिया गया। ठीक है, आत्मज्ञान पर बल दिया गया, ना कि अज्ञ और बलि पर। उपनिषदों ने वैदिक धर्म के विरुद्ध एक वातावरण तैयार कर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के धर्म सुधार की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। इसी प्रकार आर्यकों ने तप मार्ग पर बल दिया है। ठीक है, इन नई विचारधारकों का समाज और धर्म पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसमें कर्मकांडी वैदिक धर्म का विरोध किया। आर्यक वास्तव में वेदों पर रची गई टिकाऊ परिस्थिति का है, इनमें गंभीर विषयों पर चर्चा किया है। इसी काल इन्हें आर्यक कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक कारणों के कारण चलते 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में धर्म सुधार आंदोलन आरंभ हुआ। इसके परिणाम स्वरूप भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय और विकास हुआ, जिसमें भारतीय इतिहास और गहरी रूप से हो गई। ठीक है, इन्होंने ब्राह्मणों के सत्ता को खुली चुनौती दी, जाति प्रथा पर बल और अहिंसा पर बल दिया। इन धर्मों ने पवित्र आचरण, स्वयं संयम पर बल दिया एवं सरल भाषा में जनता तक पहुंचाया। इस तरह धार्मिक आंदोलन में तत्कालीन सामाजिक में
कुरीतियाँ तथा बुराइयों में और तनाव के कल्याण के लिए बल दिया। ठीक है तो दोस्तों, हमारा यह रहा धार्मिक आंदोलन का मेन पॉइंट, जो आप लोगों को बेहद ही ज़रूरी था बनाने के लिए वीडियो। आप लोग इसे सुनकर आप अवश्य ही समझ गए होंगे, तो समझने